आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है और तबीयत भी खराब है, तो थोड़ा बहुत वॉइस में डिस्टरबेंस रहेगी, आप प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त एडवोकेट थे और भारत की आजादी के लिए इन्होंने जंग लड़ी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी इनसे प्रेरित हुए। पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो लाला लाजपत राय का जो पूरा स्वदेशी मूवमेंट था वहीं से ही कंसेप्ट उठाया था और उसके बाद महात्मा गांधी ने इनके कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाया था। लाला लाजपत राय पहले थे जिन्होंने बोला हमको पूरी आजादी दो, हमको कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, जो कि मॉडरेट्स की मांग थी। तो आज हम लाला लाजपत राय के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों जगह पर चलिए पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ पॉकेट न्यूज स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो गया है, आप जरूर उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और फायदा उठाए, चलते फिरते पढ़ते रहिए। तो दोस्तों अगर हम लाला जी की बात करें तो उनका जन्म जो है वो 28 जनवरी 1865 में हुआ था, पंजाब में हुआ था। जी हाँ, पंजाब के मोग डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो अच्छे अच्छे खासे टीचर थे, ठीक है, बहुत बड़े तो नहीं, मतलब बहुत बड़े प्रोफेसर तो नहीं, लेकिन टीचर थे उर्दू और पर्शियन के, ठीक है, उर्दू आती थी और पर्शियन आती थी। और इनकी जो माता जी थी गुलाब देवी अग्रवाल, वो जो थी हाउसवाइफ थी, लेकिन इनकी माता जी बहुत ही इंटेलिजेंट थी। आपको बताना चाहता हूं कि देखिए उस समय ऐसा होता था कि आज तो हम देखते हैं कि सारी कॉन्वेंट स्कूलों की स्टडी है, कोई बुराई नहीं है, उसमें बुक्स हैं, नई नई बुक्स हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को इतने अच्छे से दर्शाया नहीं जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से पूरी इंग्लिश ओरिएंटेड बुक्स हैं। लॉर्ड मैक्योले आए थे, मैक्योले कमीशन आया था और उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया ही था कि हम पूरी सभ्यता को इनकी मिटा देंगे। तो वहां से फिर एक जो इंग्लिश कल्चर शुरू हुआ है, फिर हमारा जो भारतीय संस्कृति और जो उस समय इस्लामिक ट्रेडिशन था, ठीक है, जिस तरीके से पढ़ाई होती थी वो एक तरीके से खत्म हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप उनकी माता जी को देखिए, उनकी मदर्स को देखिए, वो क्या करती थी, वो हमेशा जो भी उनके बच्चे होते थे, जैसे लाला जी की बात करें तो इनकी माता जी हमेशा रामायण का पाठ पढ़ाती थी, महाभारत का पाठ पढ़ाती थी। तो इन सब चीजों से लाला जी बहुत ज्यादा प्रेरित होते थे और अपनी जिंदगी भी उन्होंने ऐसी ही कर ली थी कि अगर जीवन हो तो राम जैसा, कृष्ण जैसा, ठीक है, तो ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों बहुत ही पढ़ने में तेज थे और बहुत ज्यादा पढ़ते थे, वोरेशियस रीडर थे और इसीलिए इन्होंने डीएवी कॉलेज की भी स्थापना की। भैया ये जर्नलिज्म में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया, इन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, इन्होंने ऑर्फनेजेस बनवाए, इन्होंने कॉलेजेस बनवाए, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने बनवाई। और क्योंकि उस समय बाल विवाह हो ही जाता था, बहुत ही जल्दी विवाह कर दिया जाता था और लड़कियों का तो बहुत ही जल्दी, अगर लड़की उस समय 15-16 साल की होती थी तो बोलते थे अरे भैया ये शादी भी करेगी कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन थी, बहुत बड़ी कंडीशन थी। खैर, सोशल इवेल्स थे, दयानंद सरस्वती आए, फिर राजा राम मोहन रॉय आए, उन सबने एक तरीके से सोसाइटी को रिफॉर्म किया। स्वामी विवेकानंद आए, रामकृष्ण परमहंस आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, इन सब की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है। तो सब ये सब सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी राधा देवी अग्रवाल, ठीक है, राधा देवी अग्रवाल से इनकी शादी हुई थी। अब आपको बताना चाहता हूं कि इनकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही हुई थी, ठीक है ना, वो रेवाड़ी में हुई थी, फिर ये लाहौर चले गए, वहां पे इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और लॉ की पढ़ाई की, बहुत ही जबरदस्त लॉयर थे। और उसके बाद इन्होंने लाहौर के हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद इन्होंने हरियाणा गए, वहां पे इन्होंने लीगल प्रैक्टिस शुरू की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त लॉयर हो गए थे और सिर्फ 20 साल की उम्र, मतलब जब इनकी 20 साल की उम्र हुई तो काफी परिपक्व हो गए थे, इनका पूरा एजेंडा क्लियर था, पूरा जो सोच थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे किस चीज के लिए काम करना है, भारत के लिए काम करना। और भारत को उस समय कांग्रेस मिल गई थी, 1885 में कांग्रेस का जन्म हो गया था। अब यहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहले तो देखिए 1885 से लेकर 1905 तक 20 साल तक जो वर्चस्व रहा वो किसका था, वो था मॉडरेट्स का, ठीक है, मॉडरेट्स का। अब मॉडरेट्स क्या करते थे, दादा भाई नायरोजी थे इसमें, गोपाल कृष्ण गोखले आए, बहुत सारे लीडर्स थे, बद्रुद्दीन तैयब जी, तो ये क्या करते थे, इन सबका एक ही चीज माननी थी कि देखो अभी पहले हमको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, मतलब हमको आजादी चाहिए, हम बिल्कुल आजादी लेंगे और एक तरीके से जो भी इस समय इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और बहुत ज्यादा गरीबी जो फैला के रखी हुई है उन सबसे आजादी लेंगे, लेकिन
ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यही एक नई क्रांति लेके आएंगे, ये सबका मानना था जितने भी मॉडरेट्स लीडर थे। बेसिकली यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाला है ना, लाला लाजपत राय। देखिए बाल गंगाधर तिलक की बायोग्राफी का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, तीनों की मंशा भी एक है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जो मॉडरेट्स का तरीका था वो पेटिशंस फाइल करते थे, दया याचना, वो कानून में ज्यादा राइट्स चाहते थे कि हम पहले सिस्टम के अंदर आएंगे और उसके बाद भारत को रिफॉर्म करेंगे विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिशर को नहीं जाना है, क्योंकि जब ये रहेंगे तभी तो नया भारत मिलेगा। तो सबसे पहले तो अभी भारत में अज्ञानता है, पहले भारत की जनता को हम एजुकेट करेंगे। यहाँ आ गए लाला लाजपत राय, बोलो कि अरे हटाओ, एजुकेट एजुकेट ये सब क्या कर रहे हैं, ये ब्रिटिशर जो है हमको लूट मार खाएंगे, देख नहीं रहे हो कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ये बाद में मॉडरेट्स को भी समझ में आ गई थी जब गोपाल कृष्ण गोखले को बहुत ही जबरदस्त झटका मिला था 1909 का, जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया था। यहां तो सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया था, आप राइट्स की तो बात छोड़िए, क्या रिप्रेजेंटेशन देंगे ब्रिटिशर हमको, यहां तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को ही अलग कर दिया था पूरा का पूरा। तब गोपाल कृष्ण गोखले को भी यह समझ में आ गया था कि ये क्या कर रहे हैं और इनकी मंशा क्या है, ये ब्रिटिशर लातों के भूत है, ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन ये बहुत बाद में हुआ जब कांग्रेस स्प्लिट हो चुकी थी, अगर कांग्रेस स्प्लिट नहीं हुई होती तो हमको बहुत जल्दी आजादी मिल सकती थी। लेकिन हिस्ट्री में इफ्स एंड बट्स हमेशा होते ही, अगर ये ना होता तो क्या होता, हिस्ट्री काफी अनसर्टेन है ये तो सभी को ही पता है। तो हम यहाँ पे बात कर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 20 साल की जब इनकी उम्र हुई 1885 में, तब ये कांग्रेस से जुड़ गए, ठीक है, कांग्रेस से जुड़ गए। और उसके बाद एज अ डेलीगेट 1888 1889 की जो सेशंस हुए वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्होंने पार्ट भी लिया एज अ डेलीगेट, ठीक है। तो वहां पे एज अ डेलीगेट पार्ट लिया, साथ ही साथ लॉ भी, एक बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर भी थे, ठीक है, लाहौर के हाई कोर्ट में, इससे पहले हिसार हरियाणा में, वहां पे पूरी लीगल प्रैक्टिस इनकी जारी थी। और एक चीज और है कि हम देखते हैं कि ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस थे उस समय के, वो सब और आज भी वो सबके सब लॉयर हैं, ठीक है, कानून की बहुत ज्यादा जानकारी है। इससे एक चीज ये भी होती है ना, जो लॉयर होते हैं आपने देखा है वो ज्यादा अच्छे ओरेटर होते हैं, तो जो ओरेटर अच्छा होगा उनको पॉलिटिक्स में मतलब काफी स्वागत किया जाता है, क्योंकि भैया पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योर इनर व्यूज इन अ वेरी इफेक्टिव वे। तो किस तरीके से, जितने अच्छे से आप अपने व्यूज रखेंगे ताकि समाज को सुधारा जाए, और अगर आप उसको बहुत अच्छे से रख रहे हैं तो डेफिनेटली आप पॉलिटिक्स में चमकेंगे ही चमकेंगे। इन शॉर्ट आपको ओरेटर बहुत अच्छा होना है ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सके। तो लॉयर्स को तो अच्छे ओरेटर्स के तौर पे जाना ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि लॉयर्स का हमेशा से ही पॉलिटिक्स में दबदबा रहा है, हर किसी ने लॉ पढ़ी। एक चीज और है दोस्तों, उस समय साइंस का इतना स्कोप भी नहीं था, भारत में तो साइंस डेवलप थी ही नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक कोई साइंस, कोई साइंटिस्ट भारत की तरफ से था ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था कि उस समय लॉ का प्रोफेशन सबसे बड़ा माना जाता था, बैरिस्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, बस जिंदगी सफल। तो इसलिए ज्यादातर लोग, ज्यादातर पॉलिटिशियन जो थे वो लॉयर थे, ये भी एक रीजन था। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जब 1905 तक तो एज इट इज चला, ठीक है, ये कहानी ऐसे ही चली 1885 से 1905 तक। बहुत सारे ब्रिटिश के भी लॉज आए, ब्रिटिश के लॉज जो है वो बेसिकली 1773 से आने शुरू हुए थे, 20-20 साल में आते गए, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती गई और हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत जो है, भारत का जो पूरा ढांचा है वो धीमे धीमे करके ब्रिटिश के हाथों में आने लगा। देखिए आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये आई थी भारत में, इन्हीं का दबदबा था, ब्रिटिश के अंदर ये नहीं थी, ये सिर्फ प्रॉफिट देती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद पूरा भारत ब्रिटिश के अंदर आ गया, भारत कॉलोनाइज हो गया, ठीक है ना, तो पूरा भारत ब्रिटिश के अंदर आ गया। और हम ये देखते हैं यहां से 1857 के बाद एक नए एरा की शुरुआत हुई। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा था, जितने भी कानून ब्रिटिश ने निकाले ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को कम करने के लिए ही निकाले, ये भी आपको जानना पड़ेगा, भले ही वो रेगुलेटिंग एक्ट हो 1773, पिट्स इंडिया एक्ट हो 1793 का एक्ट हो, 1813 का एक्ट हो, 1833 का एक्ट हो, 1853 का एक्ट हो,
धीमे धीमे करके ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम किया गया और जब बिल्कुल ही खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद सब कुछ ब्रिटिश के पास आ गया। ये चीज बहुत ही बहुत पहले से ही ये भाप ली थी लाला लाजपत राय, क्योंकि बहुत ही दिमागी इंसान थे, उनको पता था, उनको पता था कि ब्रिटिश के क्या मोटिव और ये क्या करने वाले हैं। इसीलिए उनका शुरू से ही एक स्टैंस रहा था कि ऐसा है, ये ब्रिटिशर को मार के भगाओ, हमको इनके अंदर नहीं रहना है वरना ये हमको बर्बाद कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। भारत की जीडीपी जो एक समय 25% से ज्यादा थी, जब भारत आजाद हुआ तो पूरी नेगेटिव में चली गई थी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना से पहले लाला लाजपत राय पहले थे जिन्होंने ये बोल दिया था कि मुस्लिमों के लिए अलग देश बना दो और हिंदुओं के लिए अलग देश बना दो। तो यहाँ पे बहुत बवाल भी हुआ था इस बात पे, ठीक है, कि ऐसा कैसे कह सकते हैं। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था, लॉयन ऑफ द पंजाब, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को बोला ही जाता था। और जितने भी यंग रेवोल्यूशनरी थे, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, राजगुरु हो गए, ये सब इनसे बहुत प्रभावित थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित थे और आइडियल थे एक तरीके से, इंस्पिरेशन थे लाला लाजपत राय। एक तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस खुलवाए, देखिए दयानंद सरस्वती से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बेसिकली हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनका साफ साफ मानना था कि हिंदुइज्म ही एक ऐसा धर्म है जो शांति स्थापित करेगा। अब हिंदुइज्म पे मेरा एक पूरा लेक्चर है, दो पार्ट में लेक्चर, आप देख लीजिएगा। तो जो भी चीज, तो दयानंद सरस्वती से, दयानंद सरस्वती की बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था, तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित, उनके व्यूज से। दयानंद सरस्वती ने बोला था ना, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ चलो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित है, इनफैक्ट आर्य समाज के मेंबर भी थे लाला लाजपत राय। तो इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल DAV, जो कि आज बहुत ज्यादा ब्रांचेस है पूरे भारत में, अगर DAV की बात करें, यहाँ पे 11th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन सब होता है, ठीक है। तो DAV स्कूल की भी स्थापना कर, बहुत सारे कॉलेजेस बनवाए इन्होंने। उस समय जब कॉलेजेस किसके लिए होते थे मैं आपको बता दूं, उस समय पढ़ाई किसको मिलती थी, पढ़ाई उन्हीं लोगों को मिलती थी ब्रिटिश के अनुसार। जब मैकॉले आया था तो मैकॉले ने सीधा बोल दिया था, पूरा देखिए 1833 का एक ऐसा एरा था ना, 1833-34 जब पूरा पूरी भारत बर्बाद हो गया, समझ लीजिए, जो ज्ञान का एक उदय हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, जो भारतीय परंपरा थी, इसको क्रश करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी लॉर्ड मैकॉले द्वारा। अब बहुत लोग बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा था, बहुत लोग बोलते हैं बहुत ही खराब था, अलग अलग व्यूज है, ठीक है। अच्छा ये था कि बहुत सारे मॉडर्न कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए, साइंस इंट्रोड्यूस हुई, मैथ्स इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, बाहर से बुक्स आई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसने हमारी परंपरा को, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे सीधा ये बोलना था कि भैया एजुकेशन खाली बड़े लोगों को ही मिलेगी जो अमीर है, और उनका ये दायित्व है कि जो गरीब लोग हैं वो उनको पढ़ाएंगे, हम गरीबों को कोई शिक्षा नहीं देंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बोला गया था, तो इसका मतलब है जो गरीब लोग होते थे उनके लिए तो कॉलेज थे ही नहीं, वो कहाँ पढ़ाई करेंगे। लाला लाजपत राय उस समय रेस्क्यू के लिए आए और उन्होंने काफी कॉलेजेस खोले, एक बहुत ही फेमस मतलब कॉलेजेस खोले और बहुत सारे कॉलेजेस खोलने में मदद भी की। तो इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में खोला और यहीं पे ही तो भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, ये सब जितने भी लोग हैं हम बात करते हैं यहाँ पे ही तो मिले थे। और नवजीवन सभा जो कि कम्युनिज्म पे थी, मार्क्सिस्ट थी, जो भगत सिंह ने बनाई थी वो यहीं पे ही बनी थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और उस समय लाहौर जो था वो हब था, ठीक है, एजुकेशन और इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था लाहौर। तो लाहौर में ये सारी चीज एस्टैब्लिश की एक तरीके से। यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोगों के बच्चे होते थे, लाला लाजपत राय ने उन सबको हथियार दिया, ज्ञान का हथियार। और मजीनी से जो इटालियन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, इटली को जो यूनाइट किया था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे पूरा लेक्चर है, मजीनी का उसमें बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना भैया, गैरिबाल्डी, मजीनी, कैवूर, ठीक है, हार्ट सोल उनको बोला जाता है, हार्ट ब्रेन एंड सोल। तो मजीनी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे लाला लाजपत राय, ठीक है, लेकिन हिंदुइज्म को पूरा मानते थे। और इसी दौरान दोस्तों इनकी दोस्ती हुई बिपिन चंद्र पाल और बिंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक, फिर लाल बाल पाल का ही दबदबा रहा कि ये तो हम आजादी लेके ही रहेंगे। अब यहाँ पे जंग छिड़ गई एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स। 1905 में जो बंगाल का बंटवारा हुआ था, बंगाल को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया गया था, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, और बड़ा बेतुका कर दिया गया था,
बहुत बड़ा है, उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे, लेकिन फूट डालने का इरादा था यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में। मुस्लिमों को ईस्ट बंगाल दे दिया था, हिंदुओं को वेस्ट बंगाल दे दिया था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट, तुरंत बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। 1905 के बाद भारत की पॉलिटिक्स पूरी बदल गई और यहां से एक नया फेज जो है वो शुरू हो गया। भारत की आजादी का काम यहीं से ही शुरू हो गया और बाद में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तब्दील हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी यही तो कंसेप्ट था ना कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ बॉयकॉट कर देंगे, ब्रिटिशर जो भी चीज बना रहे हैं हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले, खादी पहनो। महात्मा गांधी बहुत इंस्पायर्ड थे। तो ये चीज थी, आई होप ये चीजें आपको सब समझ में आ रही होंगी। लेकिन दोस्तों फिर बहुत ही भारत में जो डार्क चैप्टर है, सूरत स्प्लिट 1907 में हो गया, सूरत सेशन हुआ दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपस में भिड़ गए। मेरा एक पूरा इसमें सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। दोनों लोग भिड़ गए और उसके बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट को तो ब्रिटिशर ने पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। इसमें लाला लाजपत राय भी थे, लेकिन लाला लाजपत राय को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। इधर बाल गंगाधर तिलक का भी एक तरीके से बहुत ही दुखद एंड हुआ, उनको भी जेल में डाल दिया गया। बिपिन चंद्र पाल की बायोग्राफी मैं अगले पार्ट में रिव्यू करूंगा, इनफैक्ट कल ही आएगी। तो ये मेरी पूरी सीरीज जो है लाल बाल पाल की वो खत्म। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद ये अमेरिका चलेगा, 1907 के बाद ये अमेरिका चलेगा और अमेरिका में ही रहे ये। वहां पे इन्होंने प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया दोस्तों। और उसके बाद फिर वहां पे हम देखते हैं कि इन्होंने भारत को आजादी कैसे दिलाई जाए वो पूरे आइडियाज को आउटलाइन किया, डिस्कस किया, बड़े बड़े लीडर्स से मिले, वहां के सेनेट में डिस्कशन हुए इस पे। तो एक तरीके से भारत का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, भारत का जो आजादी का अभियान था, वो अब चला गया बाहर। तो यहाँ पे हम देखते हैं लाला लाजपत राय अमेरिका गए और फिर जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तब लाला लाजपत राय वापस आए। आपको बता दूं पंजाब नेशनल बैंक 1896 में पंजाब नेशनल बैंक PNB खोजा गया था ना, फाउंड किया था, किसने किया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे, दो लॉयर थे, लेकिन फिर भी उनके जो विजन था ठीक है वो बहुत ही जबरदस्त था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को भी लाला लाजपत राय ने फाउंड किया। फिर हम देखते हैं कि लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी को भी लाला लाजपत राय ने फाउंड किया। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी का विलय हो गया था, मर्ज हो गई थी 1956 में LIC के साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ। ऑर्फनेज भी स्टार्ट किया था, एक फ्री कैंसर हॉस्पिटल भी, इनकी माता जी को टीबी था, सॉरी कैंसर हॉस्पिटल बोलो, टीबी हॉस्पिटल, तो इन्होंने फ्री टीबी हॉस्पिटल भी 1934 में इसको भी फाउंड किया था। तो यहाँ पे सोशल वर्क जो थे वो लाला लाजपत राय ने पूरी तरीके से, मतलब 1934, आई एम रियली सॉरी मैंने 1934 बोल दिया, मतलब उस समय लाला लाजपत राय तो नहीं थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और वो 1934 में पूरा बन के जो है वो तैयार हुआ था ठीक है। तो ये चीज थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बैक विद द बैंग, अमेरिका से वापस आए, इनको जेल में बंद किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने हिस्सा लिया, जेल में बंद हुए, वापस आए, पॉलिटिक्स में आए, सिलेक्ट हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने। और फिर हम देखते हैं कि जितने भी युवा थे वो सब लाला लाजपत राय से इंस्पायर्ड। उसी वक्त दोस्तों साइमन कमीशन आ गया। अब जब साइमन कमीशन आया, आप देख सकते हैं ये इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी भी फाउंड की थी। ये देखिए फोटो, ये आप देख सकते हैं लाल बाल पाल, ये है बाल गंगाधर तिलक, बीच में इनकी बायोग्राफी रिव्यू है, ये है बिपिन चंद्र पाल और ये है लाला लाजपत राय, बिल्कुल शेर जैसे लगते हैं आप देख रहे हैं ना, इसीलिए तो इनको पंजाब केसरी, लायन ऑफ द पंजाब बोला जाता है। हैं शेर लेकिन दिल कितना अच्छा है, लोगों के लिए धड़कता है, सोशल वर्क इतने किए हैं, इतने लोगों की मदद की है कि भगवान ने इनकी मदद की है, इसीलिए तो आज भी हम इनको याद रखते हैं। तो 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन आ गया। कानून देखिए 10-10 साल में कानून आता था, 1909 में मिंटो मॉर्ले, 1919 में मॉन्टे क्लेम्स फोर्ड, फिर 1929 में आना था, लेकिन इसको 2 साल पहले लेके आए थे क्योंकि सरकार चेंज हो रही थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1927 में साइमन कमीशन आया, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ बहुत विद्रोह हुआ। क्यों विद्रोह हुआ? अरे भैया साइमन कमीशन कानून भारत के लिए बना रहे हैं और उसमें एक भी भारतीय नहीं है, मजाक है क्या? तो पूरी तरीके से 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में विद्रोह हुआ। लाला लाजपत राय बिल्कुल आगे थे, साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाए गए, लेकिन यहां पे जेम्स ए स्कॉट ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया। बहुत लाठियां खाई दोस्तों लाला लाजपत राय, लेकिन पीछे नहीं हटे, सबसे आगे थे, लाठियां पड़ रही थी, हमले हो रहे थे, उसके बावजूद साइमन गो बैक, साइमन गो बैक ये नारे लगाए लाला लाजपत राय ने, लाला जी ने। लेकिन उसके बाद दोस्तों बहुत ज्यादा चोटें आई थी
और अल्टीमेटली वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए और नवंबर 1928 में उनका देहांत हो गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक चीज बोल दी थी, उन्होंने बोल दी थी, आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी टुडे विल बी द लास्ट नेल्स इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यही हुआ, भगत सिंह का उदय हुआ, भगत सिंह मूड खराब हो गया, चंद्रशेखर का मूड खराब हो गया, बदला लेने की ठान ली उन्होंने। अब भगत सिंह की बायोग्राफी, चंद्रशेखर की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने वैसे मारना तो वो स्कॉट को चाहते थे लेकिन मार दिया उन्होंने, एक्सीडेंटली मार दिया उन्होंने जेपी सॉन्डर्स को, ठीक है, तो पूरा अलग कहानी है, वो मैंने पूरी कवर की हुई है। लेकिन नो डाउट दोस्तों, वन ऑफ द बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे लाला लाजपत राय, और जिन्होंने भारत की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल दिया। पंजाब केसरी इनको बोला जाता था, और लाल बाल पाल ये फेमस ट्रायंवरेट ट्रायंगल, ये तो सभी को पता है। उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों, इंडियन होम रूल लीग अमेरिका में इन्होंने स्टार्ट की थी ताकि वहां पे बल मिले, भारत का जो आजादी अभियान है, पंजाब नेशनल बैंक को इन्होंने फाउंड किया था। और ये कुछ राइटिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब इनको जेल भेजा गया था, मतलब जब इनको मैंडले भेजा गया था, द स्टोरी ऑफ माई डेपोर्टेशन, ये पूरी कहानी उन्होंने बताई है। फिर आर्य समाज के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, फिर उसके बाद यंग इंडिया के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है, तो बहुत अच्छा लिखते थे, ठीक है, जब भी इनको खाली वक्त मिलता था तो लिखते रहते थे, या तो पढ़ते थे या लिखते थे। तभी तो एक फियर्स लीडर के साथ साथ एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे, ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होते हैं, और लाला लाजपत राय में ये दोनों तत्व। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।